great time. We had a really great time because it was a great show, great food. We all spoiled our diets, to be very honest. But most importantly, the dance performances were out of the world. Yeah. I think it took my breath away. Like, Terrence Lewis is a really talented dancer. And a lot of award shows happening in India. But I think this was really amazing and out of the box, especially when we saw Terrence sir performing. So it was amazing, incredible. Magnificent on stage. He took our breaths away. Yeah. Absolutely. Yeah. I definitely get like goosebumps watching him, and I must say that his whole team is so great. that we really enjoyed watching. बस ये तो हमारी आर्टिस्ट्री का कमाल है. हमें सरस्वती दी गई है और वही हम कोशिश करते हैं कि दिल लुभाएं, लोगों का दिल जीतें अपने फन से, अपनी कला से. सो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग. उनमें भी दिल में कहीं ना कहीं उनमें भी एक कला की भावना है, दैट्स व्हाई दे अप्रिशिएट. सो मे बी दे आर आल्सो आर्टिस्ट इन अ सर्टेन वे. सो आर्टिस्ट की कदर करना भी एक बड़ी बात होती है. सो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी. थैंक यू. अगर एक से दिल नहीं भरता ना सर, और हमारे मजहब में सिर्फ एक से ही की जा सकती है, तो मैं अभी सबको अभी खुश तो नहीं कर सकता ना. अगर मैं एक से शादी करूँगा तो बहुत सारे नाराज़ हो जाएंगे. तो और जब तक बड़े भाई शादी नहीं करते तो मेरी क्या मजा है. बड़े भाई पता ना कौन? सलमान भाई. तो जब उन्होंने शादी नहीं की तो मैं क्यों करूँ. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही उम्दा था. मैं कहूँगा कि हमारे देश में हर एक चीज़ में आई थिंक देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी यूनिक अबाउट दिस कंट्री इज़ दैट हम कुछ प्रांत में ऐसा होता है कि वो पैसा खर्च करते हैं ट्रैवलिंग में, पैसा खर्च करते हैं अपने ऊपर. लेकिन हमारे देश में हम अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं. वी डोंट स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग, वी स्पेंड ऑन वेडिंग्स. और वेडिंग्स हमारे इतने लाजवाब होते हैं. इट्स इवन बिगर देन ऑल द फिल्म एंड द फेमिना मिस इंडियाज दैट वी सी. सो इट्स अ वेरी बिग लैविश अफेयर एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग. एंड आई थिंक आजकल आई हैव बीन परफॉर्मिंग फॉर अ लॉट ऑफ वेडिंग्स एंड आई रियली एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर. एंड इकॉनमी और नो इकॉनमी, वेडिंग का कल्चर ऑलवेज विल बी जिंदाबाद. इट विल नेवर गो डाउन. सो थैंक्स टू वेडिंग्स. बहुत ही अच्छा रहा रेनेसांस मुंबई में. हमने शो जो किया इस वक्त, जो शादी बाय मैरियट ने भी पूरा प्लान किया हुआ है, ताकि नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलें जो आजकल की वेडिंग्स हैं उसके लिए. और बहुत सारे टू बी ब्राइड, उनकी फैमिलीज भी आज आई थी और बहुत ही सब ने इन्जॉय किया. उनको एक होलिस्टिक व्यू मिला कि कार्ड्स कहाँ से लेना चाहिए, गिफ्ट्स कहाँ से आएंगे, कपड़े कहाँ से आएंगे, और कोरियोग्राफी और डांस के लिए किसको बुलाना चाहिए, और परफॉर्मेंस के लिए, संगीत के लिए किसको बुलाना चाहिए. तो आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड आई थिंक रेनेसां हैज़ गॉन ऑल आउट टू गिव द बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट. उसके अलावा जो हमने शो किया, ये टेरेंस और हमने साथ में शो किया है. दिस हैज़ बीन द फर्स्ट कोलैबोरेशन ऑफ इट्स काइंड ऑन फैशन शोज. And this was a shadi show, a purely shadi show, जहाँ पे सब मॉडल्स ने बहुत enjoy किया.